हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन न्यूज़ पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, नर्सिंग वालों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। और फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपकी है जो रहने वाली है 18,853 से ज़्यादा पद होने वाले हैं। फ्रेंड्स, देखेंगे दो राज्य के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। स्टाफ नर्स ANM पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक साथ बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आपको नर्सिंग से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड होती है। तो और साथ ही साथ फ्रेंड, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स टेलीग्राम पे बहुत सारी अपडेट आती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ पे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन में, पहली वैकेंसी आपकी बिहार के अंदर राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से निकाली गई है। नोटिफिकेशन संख्या 5/2021 है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के जिला स्वास्थ्य समिति के लिए ANM के संविदागत पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। दूसरी वैकेंसी और है फ्रेंड्स, जो 10,000 से 10,000+ है, उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। पहले इसका हम नोटिफिकेशन डिटेल से देख लेते हैं। टोटल पद आपके रहने वाले हैं इसमें 8,853, और 10,000 वैकेंसी और बताऊँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में स्टार्ट से एंड तक बने रहे, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं सभी के लिए वैकेंसी है, और ANM की वो पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके ANM का, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल आपका नेसेसरी है। तो आपको इसमें अदर स्टेट के आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका बिहार का नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो आपका मानदेय है जो प्रति माह मिलने वाला है 11,500 रुपये पेमेंट मिलने वाला है, और अलग अलग कैटेगरी के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी PDF पर आप करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। कैसे फॉर्म भरना है वो आपको मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ उसको जाके ओपन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं UR और अनरिजर्व्ड के लिए, EWS और अनरिजर्व्ड के लिए 37 ईयर, और फीमेल के लिए 40 ईयर, BC MBC मेल फीमेल के लिए 40 साल है, SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल है, 10 ईयर एज रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसेबल टू डिवाइन बॉडी एप्लीकेंट। बाकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें आपको एज बता दी गई है, 1/6/2021 के हिसाब से कट ऑफ होगी आपकी, उस हिसाब से माना जाएगा। आवेदन करने की तारीख देख सकते हैं 1 जुलाई 2021 से 10 बजे से शुरू हो गया फॉर्म भरना, 21 तारीख आपकी लास्ट डेट है, 15-16 दिन बचे हैं, तो आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट का इंतज़ार किए बगैर। बाकी फ्रेंड्स और डिटेल में देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो आरक्षण का है, वो आरक्षण का जो होगा नियम वो उसी हिसाब से रहने वाला। बाकी फ्रेंड्स आवेदन शुल्क आपका इसमें UR EWS BC MBC के लिए 500 पुरुष के लिए है, और 250 रुपये महिलाओं के लिए। SC ST बिहार डोमिकल अगर आप रहने वाले हैं तो फिर आप पुरुषों के लिए देख सकते हैं 250 रुपये, और महिलाओं के लिए भी 250, दिव्यांग के लिए 250-250 रुपये महिला और पुरुष दोनों के लिए रखा गया है। और आवेदन आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं, और जो आपका चार्ज होगा बैंक वो चार्ज ले लिया जाएगा। पोस्ट का आपका चयन किसका आधार होने वाला है, तो आपका इसमें ओनली CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला, 11,500 रुपये सैलरी होने वाली है। मेगा सूची में टाई होने पर देख सकते हैं, वो अगर आपके बराबर अंक है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक है, तो सूचना में आपके जन्मतिथि के आधार पर किया जाने वाला। बाकी फिर आपके डिप्लोमा में अगर नंबर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जन्मतिथि भी सेम है। तो CBT के लिए आप न्यूनतम अंक देख सकते हैं, सामान्य वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के और उनके लिए 32 है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग देख सकते हैं आप, ये डॉक्यूमेंट है आपका, 5 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होना चाहिए रंगीन, कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसका भी होना चाहिए डॉक्यूमेंट का टाइम। बाकी ये आपको वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड से। नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए देख सकते हैं, ये आपकी लास्ट डेट आपकी 21 जुलाई 2021 रहने वाली है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य कर लें। अब चलते हैं फ्रेंड्स से आपकी 10,000+ वैकेंसी स्टाफ नर्स की और पैरामेडिकल संवर्ग की थी उसके बारे में देख लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप नर्स और पैरामेडिकल स्वर के लिए 10,000 से अधिक पद खाली है, उसके लिए आपकी वैकेंसी होने वाली, और ये वैकेंसी खबर आपकी यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ से निकाली गई। प्रदेश में नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्वर के 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। वहीं मौजूदा स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए हैं, इससे उनमें काफ़ी आक्रोश है। हालांकि कर्मचारियों ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक के अनुरोध पर शुक्रवार को महानिदेशालय के घेराव नहीं किया। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर वार्ता कर मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। महासंघ के प्रधान महासचिव अशोक कुमार के अनुसार प्रदेश में नर्सिंग स्वर के लगभग 6,000 पद खाली है। नर्सिंग के फार्मासिस्ट के 3,000 पद 9,000 हो गए फ्रेंड्स। एक्सरे के टेक्नीशियन के 456, लैब टेक्नीशियन के 800 और ईसीजी टेक्नीशियन के 50 पद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते 850, 1250, 1300 और 10,000 से भी अधिक के 10,300 के आसपास वैकेंसी होने वाली। इसमें वर्तमान में एक कर्मचारी पर 2 से 3 गुना मरीजों को देखभाल और उससे जुड़े कार्यों पर बाहर है, जबकि शासन इस परेशानी को दूर करने के बजाय कर्मचारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि 29 जून को मुख्य सचिव और स्वास्थ्य महानिदेशक को ज्ञापन देकर स्थानांतरण रोकने में अन्य मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया गया था। इसे न मानने पर 2 जुलाई को महानिदेशालय के घेराव की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। कर्मचारियों ने शासन में आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में मांगों को हल न किया तो कर्मचारी आंदोलन के बाद ही होंगे। तो आपका इसका नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, 15 जुलाई के बाद में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं 10,000 प्लस वैकेंसी का। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो फ्रेंड्स हम आपको बता देंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।